हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वेव्स पर। और इससे पहले वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया था वेव टाइप्स ऑफ वेव्स, तो वो टाइप्स ऑफ वेव्स में हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की भी बात किया था। तो मैकेनिकल वेव्स पढ़ना है हमें जो आपके सिलेबस में है, और हम उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, इसके अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कैसे वेवफॉर्म बनते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव्स में आप क्रेस्ट एंड ट्रॉफ के फॉर्म में ट्रेवल करते हुए देखते हैं ना, कि क्रेस्ट एंड ट्रॉफ ट्रेवल कर रहे हैं कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो ये क्रेस्ट एंड ट्रॉफ कैसे बनते हैं और नहीं चल रहा है मीडियम का पार्टिकल आगे नहीं चलता है लेकिन अपनी प्लेस में ही ऑसिलेट करता है, इस बात पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और बहुत सारे एनर्जी ट्रांसपोर्ट और ये सब की बातें सब हुई थी। तो चलिए हम लोग बात शुरू करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से चैनल जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, बहुत लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल जुड़ने के लिए। हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं। तो हम चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव्स आप इससे पहले जो पढ़ाया गया था कि अगर ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल करती हैं किसी मीडियम में तो क्या होता है कि मीडियम के सारे पार्टिकल्स वेव प्रोपेगेशन के मीन्स डिस्टर्बेंस के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। सो सपोज इफ वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर मी, देन डेफिनेटली मीडियम पार्टिकल्स विल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, मीन्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। सो इफ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम दिस लेफ्ट टू राइट हियर ऑन द बोर्ड, देन दिस पार्टिकल्स विल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन, मीन्स हियर लाइक दिस। सो हियर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 15 दीज आर पार्टिकल्स मार्क्ड ओके इन द पाथ ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये किसी वाटर सरफेस पर इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए कॉर्क हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, या फिर किसी स्ट्रिंग में इक्वल इक्वल सेपरेशन पर ये मार्क बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है स्ट्रिंग में, या एक स्ट्रिंग में बीड्स ऐसे रखे गए हैं। तो इस तरह से ये सभी, अगर सभी पार्टिकल्स या सभी सेगमेंट्स स्ट्रिंग के सेगमेंट्स हैं, और अगर इसमें एक भी ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है तो बाकी उससे जो उसके इन्फ्लुएंस में अदर पार्टिकल्स हैं, उससे जो कपल्ड पार्टिकल्स हैं वो भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो एज पार्टिकल वन और पॉइंट वन और सेगमेंट वन स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, वेरी सून द पार्टिकल टू विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, एंड आफ्टर देन द पार्टिकल थ्री विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। सो दिस डिस्टर्बेंस विल ट्रेवल टू अदर पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ओके, सो मान लेते हैं कि ये जितने पार्टिकल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 दीज ऑल पार्टिकल्स आर मार्क्स, दीज आर सेगमेंट्स, दीज आर सेगमेंट्स मार्क्ड ऑन द स्ट्रिंग के, एंड इन दिस स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल। सो वन इज ओरिजिन पार्टिकल, यहां पर उसको हम होल्ड करते हैं और उसको डिस्टर्बेंस पहली बार देते हैं। पहला जो पार्टिकल वन है वो ऑसिलेट करना शुरू करता है, तो उसी के साथ साथ जस्ट टू उससे अटैच्ड है तो वो स्टार्ट करता है, टू से थ्री अटैच्ड है तो फिर तुरंत डिस्टर्बेंस उसके यहाँ पहुँच जाता है। तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि तो वन डिस्टर्ब हो गया, वन को एनर्जी दे दिया, ऑसिलेट करना शुरू करता है। एनर्जी देने का मीनिंग क्या हुआ कि उसको मीन पोजिशन से डिस्टर्ब कर दिया, उसको काइनेटिक एनर्जी दे दिया, तो डेफिनेटली वो मीन पोजिशन से हट जाएगा, अब ये चला जाएगा। अगर इस मीडियम में, इस स्ट्रिंग में, इस सिस्टम में, जो भी सिस्टम है उसमें पार्टिकल्स में ये रीस्टोरिंग टेंडेंसी है, वो वापस अपनी मीन पोजीशन में आने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और इनर्सिया भी है मीडियम में तो वो मीन पोजीशन में की ओर लौटेंगे, तो
तो मीन पोजिशन में पहुँचते पहुँचते स्पीड अप हो जाएंगे और वो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे। फिर वहाँ जैसे ही मीन पोजिशन से अवे जाना शुरू करेंगे फिर उनको पोजिशन मिलेगा और वापस फिर वो स्लो हो करके फिर कुछ देर में वापस लौटेंगे एंड एस तो वो ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब बातें हो चुकी हैं पहली और दूसरी वीडियो में जो आप वेव का हम लोग आपको दे चुके हैं। यहाँ पर हम अभी बात करने जा रहे हैं कि ये चलिए कैसे डिस्टर्बेंस दिया जा रहा है, तो किसको, हम वन को डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। तो वन ओरिजिन पार्टिकल है और ट्रांसवर्स वेव जानते हैं कि क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करती है। सो ये क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ओके, एंड ऑसिलेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, टेक प्लेस के परपेंडिकुलर टू जैसा प्रोपेगेशन आवे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, ये देख, तो इनिशियल अरेंजमेंट ऐसा है, अनडिस्टर्ब्ड सिस्टम है। सिस्टम मतलब हम स्ट्रिंग कह रहे हैं, अगर ये स्ट्रिंग है इसके सेगमेंट्स को मार्क किया गया है 1 2 3 4 5 ऐसे, और ये ऑसिलेट करने के लिए फ्री है। अगर डिस्टर्बेंस देते हैं किसी एक सेगमेंट को तो दूसरा भी उससे जो कपल्ड है वो ऑसिलेट करेगा। तो ये अनडिस्टर्ब्ड सिचुएशन है पार्टिकल्स 1 to 15 बनाए हुए, आगे भी है हो सकता है, हमारी जो लिमिट है इस बोर्ड पर वो हमने किया। तो अगर पार्टिकल वन यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं ये कुछ डिस्टर्बेंस दे दिया ऊपर, इसको ऐसे हिट कर दिया, जस्ट इम्पल्स दे दिया, यू मार दिया, तो क्या होगा, वो मीन पोजिशन से ऊपर चलना शुरू कर देगा। अब इस जाने में क्या होगा, तो वो तो चलना स्टार्ट कर देगा, अगर कोई अपोजिशन ना हो तो ऐसे ही चलता रहेगा, बस फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको आप अभी मत सोचिए इसके बारे में। अगर इसको हिट कर दिया ऐसे और ये ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, सो इट इज़ कपल्ड विद टू, डेफिनेटली टू विल अपोज द मोशन, टू में भी इनर्सिया है तो चलने का अपोज करेगा। तो वन अगर गया तो वन और टू का इंटरेक्शन क्या करता है, वन और टू का इंटरेक्शन क्या करेगा, वन पर इधर लगेगा और टू पर इधर लगेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो वन जो टू का फोर्स वन पर वो उसको अपोज करेगा ऊपर जाने का, जो वन का फोर्स टू पर है वो टू को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही सडन एक जर्क मिलता है कि वन को आपने हिट कर दिया तो वो थोड़ा सा जर्क टू को जाएगा, टू का जर्क थ्री को जाएगा, तो जैसे ही वन को हिट कर दिया थोड़ी देर में टू को डिस्टर्बेंस पहुंच जाता है। और मान लेते हैं कि वन यहाँ तक पहुँच के जस्ट रुक रहा है, फिर रिटर्न होगा, वन यहाँ पर पहुँच करके फिर ये रिटर्न होगा, ऐसे यहाँ पर पहुँच गया और ये रिटर्न होने होगा इसके बाद, तो टू तो उसके तुरंत बाद ही तो चलना शुरू किया था। और वन के मीन, वन का मीन पोजिशन यहाँ, ये मीन पोजिशन से ऊपर जा करके जहाँ रुक रहा है जितने जितना टाइम लगता है उतने टाइम में डिस्टर्बेंस हम मान लेते हैं कि ये वो 2 3 4 4 तक पहुँच जाता है। यहाँ पर पार्टिकल्स के बारे में हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि मान लेते हैं कि जब तक ये वन यहाँ पहुँचा डिस्टर्बेंस 4 तक पहुँच गया, जस्ट 4 इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड और 4 इज गोइंग टू राइज अप, ठीक है ना, तो 4 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर क्या होगा, तो 2 कहाँ चला गया होगा, 2 देखिए 1 मैक्सिमम पहुँच गया और वो 1 जैसे राइज करना शुरू किया, 2 को जर्क दे दिया, तो 2 भी कहाँ पहुँच चुका है, जब 1 जाके रुकता है तब तक 2 क्या है, यहाँ तक पहुँच गया, अभी ये ऊपर जा रहा है,
जितना वन अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुका है, अपने एम्पलीट्यूड के बराबर इक्वल डिस्प्लेसमेंट पहुंच चुका है, वहां तक तो ये जाके तब रुकेगा और टू भी वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी टू पहली बार यहां से यहां गया, ओके। तो थ्री यहां था ना, थ्री यहां, तो टू से पीछे होगा वो, सो वन विल बी अहेड ऑफ टू, टू विल बी अहेड ऑफ थ्री, सो थ्री विल बी लैगिंग हियर, तो थ्री यहां पर पहुंचा है, ये भी यहां राइज कर रहा है, लेकिन ये यहां पर अभी चार है। सो दिस थ्री विल रीच टू इट्स मैक्सिमम अगेन द सेम मैक्सिमम, इस इतना डिस्टेंस तक गया अगर, और कहीं एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और एनर्जी का कहीं लॉस नहीं हो रहा है, जितना एनर्जी वन को मिला टू को दिया, टू ने थ्री को दिया, तो कंटिन्यूसली अगर एनर्जी इनको मिलती जा रही है तो ये क्या होगा, ये सभी उतनी ही मैक्सिमम डिस्टेंस तक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचेंगे मीन पोजीशन से। तो यहां पर ये हो गया इस तरह से। तो जितने टाइम में वन अपने मैक्सिमम पर गया और जाके एक मोमेंट के लिए रुक रहा है, नाउ इट इज रेडी टू रिटर्न, इन दैट टाइम इंटरवल डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स टू फोर, फोर इज नाउ, फोर हैज रिसीव्ड अ जर्क, इट इज राइजिंग क्विकली, तो फोर झटके से ऊपर उठना शुरू कर दिया है, तब तक यहां पहुंच गया। तो ऐसा नहीं कि बहुत देर तक ऐसा हो रहा है, यहां रुका हुआ है और यहां रुका हुआ है, ऐसा नहीं, वन विल स्टार्ट, फोर विल राइज, ओके, एंड दिस एंड दीज आर ऑन द वे, टू एंड थ्री आर ऑन द वे, दे विल रीच टू मैक्सिमम, अगेन दे विल रिटर्न। सो वन वहां जाने के बाद क्या, ये कौन सा टाइम था जब जर्क दिया था, तो ये तो टी इक्वल जीरो का टाइम था, ऐसे t इक्वल जीरो का टाइम ये था, ये वाला जो टाइम था t इक्वल जीरो का, और हम मान लेते हैं कि मीडियम पार्टिकल्स का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, कैपिटल T, जान लिए ऐसा हम ले लेते हैं कैपिटल T, तो t इक्वल जीरो पर ये अरेंजमेंट था, और जैसे ही इसको हिट किया ऊपर, जर्क दिया, वैसे ही क्लॉक ऑन हो गया और टाइम ये हमारा चलने लगा। तो अभी जब वन यहां पर गया है तो ये कौन सा टाइम है, इस ये जो टाइम है वो कितना टाइम है, t इक्वल t बाई फोर, वन फोर्थ पार्ट ऑफ वन ऑसिलेशन और वन फोर्थ पार्ट ऑफ वन टाइम पीरियड, तो वो यहां पहुंच गया, उतने टाइम में डिस्टर्बेंस फोर तक पहुंच गया, ओके। सो दिस इज पिक्चर ऑफ वन अ मोमेंट व्हेन फोर रिसीव्स द डिस्टर्बेंस। नाउ आफ्टर t बाई फोर अगेन और वन फोर्थ ले ले, तो यहां जा करके फिर ये रिटर्न होगा, और रिटर्न होते समय स्पीड अप होगा, जब जा रहा था तो स्लो हो रहा था, अब फिर रिटर्न होगा तो स्पीड अप होने लगेगा, जैसे अब स्विंग में है कि पेंडुलम है, अगर यहां पर ऐसे पेंडुलम यहां पर ऐसे सस्पेंडेड है, उसको मार दिया ऐसे, तो स्पीड अप ये तो स्लो हो जाएगा यहां पर जाकर रुकेगा, और जब वापस आएगा तो स्पीड अप होगा इधर, तो ऐसा होगा, तो वैसे ही ये स्पीड अप होगा, रिटर्न होगा, तो यहां जा करके और इस मैक्सिमम से ये यहां से ये रिटर्न हो गया, यहां जा करके ऐसे, और ये नीचे जा रहा वन, तो रुकेगा तो नहीं, ऑसिलेट करना शुरू कर दिया तो फिर ऑसिलेट करेगा, हम मान के चल रहे हैं, तो उसी मीडियम में वेव ट्रेवल करते हैं जिसमें मीडियम पार्टिकल्स कम से कम कपल्ड हैं अदर नेबर से, लेकिन ऑसिलेट करने के लिए भी तो फ्री हैं, तो फिर टू क्या करेगा, इतने टाइम में डिस्टर्बेंस क्या होगा, जितने टाइम में फिर रिटर्न हुआ है टी बाई फोर तक, तो डिस्टर्बेंस इतना और आगे जाएगा, और ये कौन सा पोजीशन है, सेवन वाला, तो सेवन सेवन पर ये आएगा, तो जो टू है वन से थोड़ा ही पीछे है, वन क्या किया है, अपना वन फोर्थ यहां, वन फोर्थ यहां, हाफ राउंड कंप्लीट कर लिया, तो टू भी यहां तक जा करके ये यहां आ रहा होगा कहीं यहां पर, तो टू थोड़ा ही पीछे होगा और ये लौट रहा है अपनी मीन पोजीशन की ओर, वन वन मीन पोजीशन पर आ चुका है और टू मीन पोजीशन की ओर आ रहा है, थ्री वो भी रिटर्न हो रहा है मीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्वायर करने के बाद,
थ्री क्या कर रहा है, वो भी रिटर्न हो रहा है, और मान लेते हैं कि वो यहाँ है, ये यहाँ जा करके मैक्सिमम गया और फिर यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, तो थ्री यहाँ पर है। और फोर इट जस्ट हैज रीच्ड टू इट्स मैक्सिमम, यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, ये अभी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आया, पहली बार अपने मैक्सिमम पहुँचा, और फोर ठीक है। और इस फाइव क्या होगा फिर, जो फोर अपने मैक्सिमम पहुंचा है तो फाइव तो उससे कपल्ड है, उससे पास ही है, फोर से थोड़ा ही पीछे होगा और कहीं ये होगा, और ये यहाँ राइज कर रहा है, ऊपर अभी जा रहा है, मैक्सिमम पहुंचा नहीं है, ये फाइव है, सिक्स फाइव से पीछे होगा, फाइव यहां पहुंचा है तो सिक्स कहीं इधर होगा, इधर पहुंचा, सेवन को अभी अभी डिस्टर्बेंस मिल रहा है। मीन्स देखिए टी इक्वल्स टी बाई फोर टाइम में मैक्सिमम पर गया तो डिस्टर्बेंस कितना गया, ये थ्री सेगमेंट्स हम देख रहे हैं, वन टू थ्री, थ्री सेगमेंट आगे सब चला गया, तो ये अगले टी बाई फोर टाइम में यहाँ रिटर्न होगा तो फिर थ्री सेगमेंट और आगे जाएगा डिस्टर्बेंस, क्योंकि डिस्टर्बेंस की स्पीड किसी मीडियम में क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, उस मीडियम के लिए कॉन्स्टेंट होती है। तो ये एक पाथ दिख रहा है कि यहाँ पर जो पहले वाले कंडीशन में जो शेप बना था वो ऐसा बना था, यहाँ पर देखिए क्या शेप बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर पर क्रेस्ट दिख रहा है यहाँ, और पहले टी इक्वल टी बाई फोर पर देखिए यहाँ पर क्या है, वन पर क्रेस्ट बना है, ठीक है। तो इस तरह का शेप में आ गया, यानी मॉलिक्यूल्स इसमें कैसे हैं, वन यहाँ है, टू यहाँ, थ्री यहाँ, फोर यहाँ, फाइव यहाँ, सिक्स यहाँ, मीन्स टू की पोजिशन ये थी मीन पोजिशन, ये यहाँ है, थ्री की ये मीन पोजिशन है, ये यहाँ है, फोर की ये मीन पोजिशन है टॉप पे है, फाइव की ये मीन पोजिशन है ऊपर जा रहा है, सिक्स की ये मीन पोजिशन है ऊपर जा रहा है, सेवन की ये मीन पोजिशन है जस्ट वहीं से राइज करने जा रहा है। तो क्रेस्ट के राइट साइड देखेंगे तो ये जो फाइव सिक्स सेवन है ये ऊपर जा रहा है, ऐसे राइज कर रहे हैं, और क्रेस्ट किधर ट्रेवल कर रहा है, क्रेस्ट इधर जा रहा है, देखिए यही तो जा रहा है इधर, ये डिस्टर्बेंस उधर जा रहा है तो क्रेस्ट भी उधर ही जा रहा होगा। और क्रेस्ट के जो पीछे हैं देखिए, वन नीचे आ रहा है, टू नीचे आ रहा है, थ्री नीचे आ रहा है, तो क्रेस्ट अगर आगे बढ़ रहा है तो ये इधर वाले जो राइट वाले हैं ऊपर जा रहे होंगे, अगर क्रेस्ट राइट ट्रेवल कर रहा है तो क्रेस्ट के जो राइट वाले हैं ऊपर जा रहे होंगे, लेफ्ट वाले ये नीचे आ रहे होंगे। अभी तो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि बस ये रुक गया या अब ये रुक गया, ये मीन पोजीशन में है तो मीन पोजीशन में क्रॉस करते समय स्पीड मैक्सिमम होती है, सो वन नाउ वन इज क्रॉसिंग मीन पोजीशन एंड विथ हाईएस्ट स्पीड इट विल बी गोइंग डाउन, सेम टाइम सेवन इज इन मीन पोजिशन एंड इट इज राइजिंग विद हाईएस्ट स्पीड, सो सेवन यहाँ स्लो होगा ऊपर जाने में और वन स्लो होगा नीचे आने में। तो फिर अगले स्टेप में क्या होने जा रहा है, ये कौन सा टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल देखिए क्या है, टी इक्वल्स टी बाई टू, एक टी बाई फोर और है। अभी यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस देखिए क्या है, डिस्टर्बेंस सेवन तक पहुँच गया है तो ये एट पर नहीं पहुँचा है, एट अभी डिस्टर्बेंस नहीं पहुँचा है, ठीक है। और यहाँ पर नाइन, नाइन को डिस्टर्बेंस नहीं पहुँचा है, और यहाँ टेन इनको डिस्टर्बेंस नहीं पहुँचा है, और इलेवन इनको डिस्टर्बेंस नहीं पहुँचा है, ऐसे ही ठीक है, ट्वेल्व यहाँ डिस्टर्बेंस भी नहीं पहुँचा है, तो ऐसे आगे कहीं नहीं गया। अब देखिए इसके बाद क्या होने जा रहा कि वन तो नीचे जा ही रहा था तो अभी तो मीन पोजिशन में है, मैक्सिमम स्पीड के साथ है, सो मीन पोजिशन में तो रुकेगा नहीं, कि रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा होगा मीन पोजीशन में लाने के लिए लगता है, अगर ऑसिलेशन होता है तो मीन पोजीशन की ओर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अभी पार्टिकल वन मीन पोजीशन में आ चुका है, मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रिस्टोरिंग फोर्स तो जीरो है लेकिन स्पीड तो मैक्सिमम हो चुकी है ना, तो जस्ट वो मीन पोजीशन को क्विकली क्रॉस करेगा, तब फिर जैसे ही मीन पोजिशन से अवे जाने लगेगा फिर रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन अगेन, तो
तो जब तक ये मीन पोजिशन से ऊपर था तब तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे लग रहा था, कम हो रहा था, और मीन पोजिशन में जीरो हो गया। अब मीन पोजिशन को जैसे क्रॉस करने लगा तो फिर क्या हुआ, मीन ये फोर्स ऊपर क्यों लगने लगा। तो अब फिर वापस चलते हैं यहाँ पर, तो ये वन यहाँ गया था टी बाई फोर टाइम में, यहाँ गया था, फिर ये यहाँ लौटा था यहाँ पर टू टी बाई फोर में, फिर थ्री टी बाई फोर में यहाँ गया यहाँ पर, और इस एक्सट्रीम पर जाकर रुका जस्ट टू रिटर्न नाउ। सो वन यहाँ आ गया तो टू तो थोड़ा ही पीछे होगा, तो यहाँ तक ये सेकेंड एक्सट्रीम है और सभी यहाँ तक आएंगे, तो टू भी यहाँ तक आएगा। तो देखिए ये इस मैक्सिमम को टच करके टू भी यहाँ आ करके यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ ये टू अभी ये नीचे जा रहा है, इस एक्सट्रीम तक पहुँचेगा। थ्री क्या करेगा, थ्री टू से भी पीछे होगा, तो थ्री यहां से देखिए ये थ्री यहां गया, यहां से रिटर्न हुआ, और फिर ये यहां मीन पोजिशन को क्रॉस करते हुए अब कहां जा रहा है, ये अब ये नीचे जा रहा, तो थ्री यहां पर। नाउ फोर टी बाई फोर टाइम में यहां से आ गया, ये नहीं कह सकते हैं टी बाई फोर पर तो जीरो पर था, तो टी बाई टू पर ये यहां पहुंच गया, यानी कि टी बाई फोर पर यहां से आ गया, टी बाई फोर टाइम इंटरवल लेकर के यहां से आ गया है। तो अगला टी बाई फोर, अब ये वाला टाइम पीरियड कितना है, ये थ्री टी बाई फोर है, टी इक्वल्स थ्री टी बाई फोर, तो ये इसके बाद टी बाई फोर और है, तो इसके बाद का टी बाई फोर जो और है वो कहां जाएगा, वन देखिए कहां से, ये जो फोर है फोर यहां से यहां आ जाएगा, ये मीन पोजीशन में है, तो मीन पोजीशन में है नहीं, रुक नहीं रहा है, ये यहां पर फोर नीचे की ओर मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है, फिलहाल मीन पोजीशन में है, क्रॉस कर रहा है, तो वहां मैक्सिमम स्पीड इसकी होगी। और इसके बाद तो फाइव क्या होगा, इससे पीछे होगा थोड़ा, तो ये फाइव यहां होगा और ये भी अपने मैक्सिमम को टच करके तो आया होगा, ये तो फाइव है। सिक्स कहाँ होगा, ये अभी ये भी मैक्सिमम से लौट रहा होगा लेकिन अभी यहाँ होगा, तो सिक्स भी अपने मैक्सिमम से लौट रहा है नीचे की ओर, पहली बार मैक्सिमम को टच करके ये लौट रहा है, तो ये सिक्स है, और यहाँ पर क्या था, ये फाइव, ये फाइव, और सेवन, सेवन जब सिक्स अभी लौट गया है तो सेवन कहाँ है, ये अपने मैक्सिमम पर अभी है, पहुंच गया है, इसके बाद ये लौटेगा ही, ठीक है, इट इज एट रेस्ट फॉर अ मोमेंट। ओके, जब सेवन यहां पहुंचा है तो फिर एट क्या होगा, एट उसके पीछे होगा थोड़ा सा, तो एट यहां पर आ गया होगा, यहां पर पहली बार भी गया, अभी कोई मैक्सिमम टच नहीं किया है, ये यहां पर अभी ऊपर जा रहा है, तो एट यहां पर है। नाइन उससे थोड़ा ही पीछे होगा, तो नाइन यहां पर होगा, और ये अभी राइज कर रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, अभी किसी कहीं भी मैक्सिमम पर नहीं टच किया था, मैक्सिमम पर नहीं गया था। इसके बाद टेन, टेन अभी यहां है और इसको फर्स्ट टाइम डिस्टरबेंस मिला है, अब ये मीन पोजिशन से राइज करने जा रहा है, सो मैक्सिमम स्पीड के साथ अभी राइज करने जा रहा है ये यहां पर, तो अभी तक 10 तक डिस्टरबेंस पहुंचा, और यहां पर अभी 11 रेस्ट पर है, और 12 रेस्ट पर है, ठीक है, और 13 रेस्ट पर है, और आगे भी जितने हैं सब रेस्ट पर हैं। तो अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं, मींस वन का मीन पोजिशन ये है लेकिन अभी फिलहाल वन यहां है, टू का मीन पोजिशन ये है लेकिन फिलहाल टू यहां है, थ्री का मीन पोजिशन ये है लेकिन अभी थ्री यहां है, फोर का मीन पोजिशन यही है, अभी मीन पोजिशन को क्रॉस कर रहा है, फाइव का मीन पोजिशन यहाँ है लेकिन अभी फाइव यहाँ है ऊपर की ओर, और सिक्स का मीन पोजिशन यहाँ है अभी और ऊपर है, सेवन का मीन पोजिशन यहाँ है मैक्सिमम पर है, एट का मीन पोजिशन यहाँ है मैक्सिमम की ओर बढ़ रहा है, नाइन का मीन पोजिशन यहाँ है ये राइज कर रहा है चला गया है कुछ दूर, और टेन को अभी पहली बार डिस्टर्बेंस मिला है, बाकी अभी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ये वन से लेके टेन तक सभी मोशन में आ चुके हैं, अभी उधर वाले 11, 12, 13 सभी क्या हैं रेस्ट पर हैं।
ये जो वेव फॉर्म बन रहा है, यहाँ देखिए ये जो शेप बन रहा है, मीडियम पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हैं, अगर स्ट्रिंग है तो ये मीडियम पार्टिकल्स, ये ऐसे, तो देख रहे हैं ये कैसा वेव फॉर्म बन गया इस तरह का। तो क्रेस्ट यहां पहुंच गया, देखिए पहले क्रेस्ट वन पर बना था, ये यहां पर टी बाई फोर टाइम बाद ये फोर तक पहुंच गया, हालांकि क्रेस्ट थ्री टू पर भी गया होगा, क्रेस्ट थ्री पर भी गया होगा, लेकिन हर एक पार्टिकल के लिए एकदम से बनाना इस इतने ही बोर्ड पर मुश्किल है। तो अभी हम जब वन पर गया तो दिखा दिया, टू पर भी गया होगा, थ्री पर भी गया होगा, फिर फोर पर पहुंचा है तब दिखा दिया, फिर सिक्स पर, फाइव पर भी गया होगा, सिक्स पर भी गया होगा, सेवन पर भी गया, तो सेवन पर हम दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही आगे एट पर भी जाएगा, नाइन पर भी जाएगा, टेन पर भी जाएगा, तो ऐसे, तो हर एक के लिए दिखाएगा नहीं, लेकिन दो दो के गैप पर हम दिखा रहे हैं। अब टी इक्वल्स फोर टी बाई फोर, यानी टी इक्वल्स टी, ये हो गया। अब वन क्या होगा, मीन पोजीशन से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर गया, एक्सट्रीम से फिर मीन पोजीशन की ओर आया, फिर अगले टी बाई फोर टाइम में दूसरे एक्सट्रीम पर गया, सेकेंड एक्सट्रीम पर, फिर अगले टी बाई फोर में मीन पोजीशन तक पहुँच जाएगा, अपने वापस ऊपर जाने लगेगा। तो कहेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया इसका, भाई दोनों एक्सट्रीम टच कर गया, फिर मीन पोजीशन पर आ गया, मीन पोजीशन से ही स्टार्ट किया था चलना और मीन पोजीशन पर फिर आ गया, लेकिन पूरा पाथ अपना कवर कर लिया, तो कहेंगे वन राउंड इसका हो गया। तो टी इक्वल्स टी, यानी फोर टी बाई फोर, तो टी बाई फोर, टू टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर, फोर टी बाई फोर, फोर टी बाई फोर क्या हो गया, टी हो गया। तो यहां पर एक राउंड हो इसका कंप्लीट हो गया, तो वन फिलहाल कहां आ गया, मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये वन, ठीक, वन यहां। तो वन कैसे मोशन किया, अब यहां पर तो उसी में बनाना थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन यहां से बना देते हैं, ये यहां गया ऊपर, फिर यहां से नीचे, और फिर ये वापस आ गया, तो यहां गया, फिर ऐसे लौटा, ऐसे लौटा, फिर ये गया, फिलहाल यहां पर है, ठीक है ना, ये ऊपर जा रहा है ऐसे। तो वन का वन ऑसिलेशन पूरा हो रहा है, सेकंड, जस्ट सेकंड राउंड स्टार्ट करने जा रहा है। अब टू का होगा क्या होगा, फिर तो टू थोड़ा ही पीछे होगा, तो टू को कैसे बनाए, यहां पर टू तो यहां होगा कहीं ना, टू यहां होगा, और किधर जा रहा होगा, वन ऊपर जा रहा है तो टू भी ऊपर जा रहा होगा, ये टू यहां होगा, टू यहां पहुंचेगा मीन पोजिशन में, तो टू का भी वन राउंड पूरा हो जाएगा, वन का वन राउंड पूरा हो गया, दूसरे राउंड के लिए निकलने जा रहा है, और टू का भी एक राउंड पूरा होने में थोड़ा सा बाकी रह गया। थ्री देखिए, सभी का मैक्सिमम यहां तक है मान लेते हैं, तो थ्री देखिए, थ्री भी क्या हुआ, अब यहां गया, फिर इधर आया, फिर ऐसे आया, फिर यहां, ये थ्री फिलहाल यहां पर, और ये लौट रहा है, यहां जाके, यहां जाके यहां आ रहा है, थ्री लौट रहा है। फोर यहां पर, ये फोर का कितना हुआ, ये एक्सट्रीम गया, फिर मीन पोजीशन आया, फिर दूसरा एक्सट्रीम है, अब वन फोर्थ टी, टी बाई फोर टाइम और यहां जाएगा, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, यानी थ्री फोर्थ राउंड इसका हो चुका, पार्टिकल फोर का जब वन क्या किया है, वन राउंड कंप्लीट कर लिया है, फोर इंटू टी बाई फोर टाइम इंटरवल चल चुका है, तो फोर जो पार्टिकल फोर है वो कितना चल दिया, थ्री इंटू टी बाई फोर, टी बाई फोर यहां, टी बाई फोर यहां, टी बाई फोर यहां, यहां पहुंच गया, तो ये आ गया। तो यहां से हम इसको कह सकते हैं कि ये यहां पर आ चुका, अभी रुका, जस्ट एक मोमेंट के लिए यहां पर रेस्ट पर आया, लेकिन अभी ऊपर लौटेगा, इधर मीन पोजीशन की ओर जाएगा, स्ट्रीम पर अभी है फिलहाल, फाइव थोड़ा पीछे होगा, तो अभी मीन, अभी ये जब फोर एक्सट्रीम पर, फोर क्या है, अपने दूसरे एक्सट्रीम पर पहली बार पहुंचा है, तो फाइव दूसरे एक्सट्रीम पर पहली बार जाने वाला होगा, अभी वहां पहुंचा नहीं होगा, तो थोड़ा पीछे, तो फाइव यहां से यहां जा करके, यहां लौट करके यहां है, और ये अभी जा रहा है अपने एक्सट्रीम की ओर, और ये फाइव, ओके, सो सिक्स, सिक्स देखिए क्या होगा, और पीछे होगा, ये यहां होगा,
ये भी यहाँ से जा करके यहाँ लौटा होगा और यहाँ जा रहा है, अभी नीचे जा रहा है, ये एक अपने फर्स्ट एक्सट्रीम एक एक्सट्रीम पर तो गया, यहाँ जा करके अब दूसरे की ओर जा रहा है, मीन पोजिशन क्रॉस कर चुका है। तो सेवन की क्या बारी है, सेवन अब देखिए क्या हो रहा होगा, ये मीन पोजिशन को अपना 1/4 टाइम T/4 यहाँ जा करके लौट करके यहाँ फिलहाल होगा और नीचे की ओर जाने वाला होगा सेवन। तो ये जो सिक्स है ये यहाँ पर सेवन नीचे मीन पोजिशन में है, मैक्सिमम स्पीड से वो नीचे की ओर जा रहा है, और एट क्या है, एट अब सेवन से पीछे होगा तो एट यहाँ होगा, एट अभी मीन अभी पहली बार अपना पहला एक्सट्रीम गया है और यहाँ लौट रहा है मीन पोजिशन की ओर लौट रहा है। एट नाइन देखिए ये और पीछे होगा, एट से भी पीछे होगा, तो ये अभी ये तो मीन पोजिशन की ओर लौट रहा है, क्लोज पहुंच गया, ये तो मीन पोजिशन से और दूर होगा, तो ये जा करके यहाँ पर अभी लौटा होगा, इधर जा रहा है, ठीक है ऐसे, और ये नाइन हो गए। तो टेन क्या कर रहा होगा, टेन देखिए टेन यहाँ पर अपने टॉप पर पहुँच गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर पहुँच गया टेन, टेन अभी ये यहाँ गया। तो इलेवन फिर कहाँ होगा, इलेवन टेन से थोड़ा पीछे यहाँ पर होगा ऐसे, इलेवन और ट्वेल्व, ट्वेल्व थोड़ा और पीछे होगा यहाँ होगा, पहली बार अभी एक भी एक्सट्रीम पर नहीं गया, इलेवन भी अभी पहली किसी भी एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचा है, अभी थोड़ी देर पहले चलना शुरू किया था, और फिर ये थर्टीन है, थर्टीन को अभी डिस्टर्बेंस मिला है, अब ये मूव कर एक मैक्सिमम स्पीड से अभी राइज करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा हो गया, इसके बाद देखिए अब जो ये वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म कब का है, जब अपना ओरिजिन पार्टिकल वन, ओरिजिन पार्टिकल वन वन राउंड कंप्लीट कर चुका है, बाकी इसमें से कोई पार्टिकल भी वन राउंड नहीं कर चुका है। टू भी देखिए क्या है, यहाँ ऊपर जाके T/4 हो चुका है, अब मीन पोजिशन की ओर आ रहा है। वन तो T/4 पर एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कोई भी पार्टिकल यहाँ से लेकर 13 तक डिस्टर्बेंस अभी कहाँ तक पहुँच गया है, 13 तक पहुँच गया है उतने टाइम में। तो पहली बार 13 ऊपर की ओर जाने को है मीन पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड के साथ, और वन क्या है, वन वो भी ऊपर की ओर जाने को है मैक्सिमम स्पीड के साथ, लेकिन वन ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, दूसरे राउंड के लिए ऊपर जा रहा है, और 13 पहली बार ऊपर जा रहा है। तो जो अभी वेव फॉर्म बन पाया है वो देखिए ये ऐसा दिखेगा, मीन्स जितने स्ट्रिंग के सेगमेंट हैं, अगर ये स्ट्रिंग है तो जितने स्ट्रिंग के सेगमेंट हैं ऐसे ही ठीक ऐसा वेव फॉर्म बना। तो वन अगर वन राउंड कर लिया है तो ऐसा वेव फॉर्म बना, और ये 13 पर पहुंच गया डिस्टरबेंस, इसके बाद ये 14 पर जाएगा, 15 पर जाएगा, 16 पर जाएगा, तो ऐसा होगा। तो यहां पर ऐसे ही ये वेव फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो इन 20 वेव फॉर्म में देखिए क्या हो रहा है, जैसा वेव फॉर्म बना हुआ है, जितना बड़ा बना हुआ है पार्टिकल वन के, ओरिजिन पार्टिकल के वन राउंड करने में, उसको हम वन वेव कहते हैं, यही वन वेव है। इसकी लेंथ क्या होती है, वेव लेंथ होती है। पार्टिकल वन के एक राउंड कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर चुका है इस मीडियम में यहां से वहां तक, वो वन वेव है। अब इसके बाद क्या होगा, रिपीट होगा, ये पार्टिकल फिर अगर ऊपर जाएगा, जाहिर है तो ये पार्टिकल वन यानी ओरिजिन पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अगले स्ट्रीम पर जाएगा, फिर मीन पोजिशन में लौटेगा, तो एक और ऐसा वेव फॉर्म बन जाएगा और ये आगे ट्रेवल करेगा। वैसे ही 13 अभी देखिए पहली बार ऊपर राइज करना शुरू किया ना, 13 यहाँ जाएगा 1 T/4, फिर T/4 यहाँ लौटेगा, T/4 टाइम में यहाँ जाएगा, फिर अगले T/4 में फिर यहाँ पर लौटेगा मीन पोजिशन में, तो इसके आगे बन जाएगा एक क्रेस्ट एक ट्रव। तो वन केवल अब वन राउंड कर चुका है तो एक क्रेस्ट एक ट्रव बन गया इधर, ये देखिए ये क्रेस्ट है ये ट्रव है, और क्रेस्ट देखिए यहाँ पर ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पहुँच चुका है ये
इधर पहुंच चुका है। तो यही क्रेस्ट पहले वन पर था, फोर, फिर टू थ्री होते हुए फोर पर आया है, फिर सिक्स सेवन होते हुए सेवन फाइव सिक्स पर होते हुए सेवन पर आया है, फिर नाइन टेन एट नाइन टेन होते हुए टेन पर आया है। तो ऐसे ही आगे बढ़ रहा है और कॉन्टिन्यूसली ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जब वन पार्टिकल वन यानी ओरिजिन पार्टिकल टू राउंड कर लेगा तो इसके आगे टू क्रेस्ट टू ट्रफ बनेंगे, बने होंगे, और तब क्या होगा, थर्टीन क्या कर रहा होगा, वन राउंड कर लिया होगा, क्योंकि सबका टाइम पीरियड एक ही है, सारे पार्टिकल का वन राउंड कंप्लीट करने का टाइम एक ही है, यानी सबका टाइम पीरियड एक है, सबकी फ्रीक्वेंसी एक है। तो वन, तो वन क्या किया है, वन राउंड कंप्लीट कर लिया है, दूसरे राउंड के लिए अभी राइज कर रहा है, मीन पोजिशन में है, ये पहली बार मीन पोजिशन में राइज कर रहा है। तो अब जो वन का एक और राउंड कंप्लीट होगा तो थर्टीन का एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, यानी वन जब टू राउंड कर लिया तो थर्टीन का वन राउंड हो गया। अब थर्टीन के आगे एक क्रेस्ट एक ट्रफ बना होगा और वन के आगे क्या हुआ, टू क्रेस्ट टू ट्रफ बने होंगे। तो एक बातें हो गई, और फिर वही एक बार फिर देख लेते हैं कि ये क्रेस्ट है, जैसे देखिए टेन जो जहां पर टेन है, अब इस समय क्रेस्ट कहां, टेन पर है ये वाला, तो टेन से आगे जो क्रेस्ट के आगे वाले देखिए इलेवन ट्वेल्व थर्टीन कहां जा रहे हैं, ऊपर की ओर। तो इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फिलहाल ऊपर की ओर जा रहे हैं ये पार्टिकल, टेन से पीछे आ जाए क्रेस्ट के इधर वाले लेफ्ट वाले हिस्से में, तो नाइन एट सेवन सिक्स फाइव ये सभी नीचे आ रहे हैं। तो क्रेस्ट ऐसे आगे ट्रेवल कर रहा है तो आगे वाले हिस्से पर ये जो 11, 12, 13 है ये ऊपर जा रहे हैं, और क्रेस्ट के पीछे क्या हो रहा है, ये सभी ऐसे नीचे आ रहे हैं, और फिर यहाँ आ जाते हैं फोर ट्रफ में आ जाते हैं। तो ट्रफ में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए वन टू थ्री ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ अब क्रेस्ट दोबारा आने वाला है, जब वन यहाँ जाएगा तो क्रेस्ट यहाँ वन पर हो जाएगा, जब वन पहुँचेगा टॉप पर तो एक नया क्रेस्ट यहाँ बनेगा, तो ये हो जाएगा। तो क्रेस्ट से जिधर क्रेस्ट मूव कर रहे हैं, जिधर क्रेस्ट मूव कर रहा है उधर उसके आगे की साइड में, यानी इधर राइट की ओर मूव कर रहा है, तो राइट साइड में सारे पार्टिकल ऊपर आ रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड में नीचे आ रहे हैं, फिर इसके बाद जहाँ ट्रफ है उसके बाद ये बदल रहा है, ट्रफ यहाँ बन गए हो गया, तो ट्रफ के बाद क्या हुआ, ये ऊपर आ रहे हैं, टू वन टू थ्री ऊपर आ रहे हैं। तो ये वे फॉर्म का बनना हुआ। तो अगर मान लेते हैं पार्टिकल वन टेन राउंड कंप्लीट कर लिया है तो फिर क्या होगा, इसके आगे वन के आगे टेन क्रेस्ट टेन ट्रफ बने होंगे। तो पहले अगर वन क्या कर लिया टेन राउंड, तो इसके आगे टेन ट्रफ के टेन क्रेस्ट बने होंगे। थर्टीन तब नाइन राउंड किया होगा, तो इसके आगे नाइन क्रेस्ट नाइन ट्रफ बने होंगे, और वैसे ही उसके आगे वन के आगे वन को ट्वेल्व ऐड कर दिया है तो थर्टीन मिला है, तो थर्टीन को ट्वेल्व ऐड करेंगे तो ट्वेंटी फाइव मिलेगा। तो ट्वेंटी फाइव वाला पार्टिकल अगर थर्टीन नाइन राउंड कर चुका है तो ट्वेंटी फाइव वाला एट राउंड कर चुका होगा, तो उसके आगे एट क्रेस्ट एट ट्रफ बनेंगे। ठीक है, तो वन थर्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन फोर्टी नाइन ये ऐसे ऐसे पार्टिकल हैं जो अगर बहुत पहले से वेव चल रही है तो ये सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ दूसरे एक्सट्रीम पर जाएंगे, एक साथ मीन पोजिशन क्रॉस करेंगे और एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे। तो जैसे अभी दो ही दिख रहे हैं यहां पर, वन और थर्टीन, वन वन भी ऊपर जा रहा है मीन पोजिशन में है, थर्टीन भी ऊपर जा रहा है मीन पोजिशन में है। ये अलग बात है कि वन ने वन राउंड कंप्लीट कर लिया है दूसरे के लिए जा रहा है, और थर्टीन अभी पहले के लिए जा रहा है। तो वैसे ही वन जब टेन राउंड कर लेगा तो थर्टीन नाइन राउंड किया होगा, तो इलेवेंथ राउंड के लिए टेन ये वन जाएगा तो ये टेंथ राउंड के लिए ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही होगा, बीच में वन और थर्टीन के बीच कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो मीन पोजीशन में हो और ऊपर जा रहा हो, सेवन बस मीन पोजीशन में है लेकिन ये नीचे आ रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि वेव लेंथ क्या है, ये वेव लेंथ है यहां से यहां तक, और अगर मीडियम कोई दूसरा होता वेव आगे तक पहुंच गई होती तो ये पार्टिकल 13 कहीं आगे होता, हमने जैसा बनाया उसके हिसाब से, तो ये वेवलेंथ बड़ी होती, फ्रीक्वेंसी वही होती और वेवलेंथ बड़ी होती। तो वेवलेंथ मीडियम तय करता है कितना बड़ा होगा। तो ये वेव फॉर्म का फॉर्मेशन है, ये ट्रेवलिंग है, और ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूडनल का वेव फॉर्म बनाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, तो उसको हम अगले वीडियो में करेंगे।
इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। उम्मीद है कि वेव फॉर्म कैसे बना या बन रहा है आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ पर ऑसिलेट करता जाएगा, जितने जितने राउंड कंप्लीट करता जाएगा उतने आगे क्या हो जाएंगे, ये क्रेस्ट एक्स्ट्रा और बनते जाएंगे। तो ऐसे ही आप इसको समझ पाएंगे और इसको हम बनाते रहेंगे आगे, फिर कुछ वेव फॉर्म अलग से बनाते रहेंगे। तो इतना बहुत देर तक नहीं बनाएंगे, लेकिन समझाने के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। तो उम्मीद है आप जरूर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा लोगों तक, और चैनल को फिर कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखा करिए और लोगों से कहिए पूरा देखने को। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, साथ बने रहें।